वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज देखेंगे कैसे हम कर्व राइटिंग करें। जैसे हमने को कर्व बनाया उसमें राइटिंग को लिखें। सबसे पहले हमने ड्रॉ किया सर्कल और इसे पिक टूल सेलेक्ट करते नुमेरिक प्लस को प्रेस करते हुए इसको कॉपी करेंगे और इसे एक कॉर्नर से इसे छोटा कर देंगे, इसमें बीच में रखेंगे। इस पर हम राइटिंग करेंगे और सबसे पहले सिलेक्ट जो हम जिस पे राइटिंग करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे। बाहर वाला सिलेक्ट किया है और जाएंगे टेक्स्ट मेनू में और उसमें सिलेक्ट करेंगे हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जाएंगे टेक्स्ट और इसमें सिलेक्ट करेंगे हम फिट टू पाथ। और जैसे ही हम जहाँ पे कर्सर रखते हैं तो हम टाइपिंग करते हैं, ऐसे ही हमारा जी फिट टू पाथ में टाइपिंग होगा। जो हमने पाथ दिया उसमें ऐसे टाइपिंग होगा। इसी तरह हम बीच वाले सर्कल पे भी टाइपिंग कर सकते हैं, सेम स्टेप दोहराएंगे। सबसे पहले उसे हमने जो बाहर वाला सेलेक्ट किया उसे फॉर्मेट भी कर सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं, ऐसे हम रीसाइज से फॉर्मेट कर देंगे। करेंगे अंदर वाला सर्कल और इसे सेलेक्ट करके सेम स्टेप अप्लाई करेंगे, इसे भी टेक्स्ट एंड फिट टू पाथ और इसमें भी हम टाइपिंग करेंगे। जी तो हमने टाइपिंग की है सर्कल पे, तो इसी तरह हम कर्व लाइन पे भी टाइपिंग करेंगे। ये हमारे दोनों सर्कल पे टाइप हो चुका है। से आगे देखेंगे हम फ्री टूल के साथ ऐसे कर्व बनाएंगे और टेक्स्ट के साथ टाइपिंग करेंगे। इसके पास हम टेक्स्ट ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे टाइपिंग करेंगे जो हम कर्व पे लाना चाहते हैं। सतनाम जी, सतनाम जी, सतनाम जी हम टाइपिंग करेंगे और रीसाइज कर दिया। करने के बाद हम इसे सेलेक्ट करेंगे, आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट मेनू में जाके इसे फिट टू पाथ करेंगे। जैसे ये साइन आता है यहाँ से ऐसे प्रेस करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।